नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जी दोस्तों, मैं आपको लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ। जो अभी रास्ता ऊपर देखा था जो वायाडक्ट का, वो बंद पड़ा है अभी। तो अभी नीचे से रास्ता खोला हुआ जाने के लिए, जब तक ऊपर काम चल रहा है। और लास्ट स्टेज में ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज, आपने देखा है पेंटिंग का काम चल रहा है वहां पर। बहुत ही अच्छा रूप निकल कर आया है इस समय पूरे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। ये देखिए सारा व्यू इस समय। ये नीचे का एरिया है जो रफ है थोड़ा सा। साइड में वॉल लगा दी गई है यहाँ पर भी। और सामने आप जो लाइन देख रहे हैं WDFC की लाइन है, रेलवे लाइन, जो मैंने आपको ऊपर से भी दिखाई दी अभी। और अब जगह जगह फिनिशिंग का काम चल रहा है सारे यहाँ पर। और बहुत जल्दी ये रास्ता पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरी सेफ्टी रखी जाएगी यहाँ पर। ये इस गाड़ी वाले भाई साहब ने तो नीचे से कोई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे समझिए 120 पे लेके जा रहे हैं। दोस्तों रास्ता अच्छा हो, स्पीड की लिमिट हो, उसी लिमिट के अंदर चलाना बहुत जरूरी है गाड़ी को। और ये सामने देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ये हिस्सा जो एप्को बना रहा है ये, और ये WDFC के साथ में यहाँ पर इसको जुड़ेगा। ये देखिए, मैंने ये आपको ऊपर से भी अभी रास्ता दिखाया था, ये ऊपर गया था जब मैं। और ये अब ये नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे जो ये अंडरपास बना हुआ है, ये सारे व्हीकल जो सोना जाने के लिए, गुड़गावा जाने के लिए ये रास्ता। उसके बाद ये दोनों तरफ ये वॉल बननी शुरू हो गई यहाँ पर, ये देखिए। और ये WDC ने थोड़ा सा रास्ता दिया जो नीचे की तरफ जाने के लिए, व्हीकल जाने के लिए। और उस तरफ देखिए तो सामने आप WDFC का आपको नजर आ रहा होगा, सारा ट्रैक नजर आ रहे हैं आपको। और अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है यहाँ पर। ये रास्ता है नीचे से आने के लिए ऊपर। देखिए आप अगर यहाँ से कितना अच्छा व्यू है ऊपर वायाडक्ट, और जिसमें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 72 मीटर का जो ये पुल है, ये जो बनाया, मैं आपको नीचे से अब सारा इसका एरिया दिखा रहा हूँ यहाँ से नीचे से कैसा लगता है। पहले आपको मैंने ऊपर से भी दिखा दिया मैंने आपको। ये देखिए किस तरह से बहुत ही मजबूती से बना हुआ है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि ये 1200 टन है इसका वजन, जो इसमें कॉन्क्रीट के अलावा, जो कंक्रीट वाला नीचे वाला पोर्शन है सॉरी वो है 1900 टन, और जो ऊपर वाला है जो प्योर स्टील का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको नीले रंग का जो पेंट चल रहा है अभी इसमें, ये 1200 टन का एक साइड और 1200 टन का एक साइड का है। ये देखिए आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इधर काम भी चल रहा है यहाँ पर। इसके नीचे से निकल के जा रहे हैं हम यहाँ से। ये देखिए जो ये ऊपर का पोर्शन है मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे से, और ये सामने WDFC की जो लाइन ये वाली, और ये ऊपर स्ट्रक्चर, और ये दूसरी साइड का स्ट्रक्चर, और ये इधर का लाइन, और ये आगे मुंबई जाने के लिए। ये मैं आपको ऊपर का भी पूरा व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से।
दोस्तों ये देखिए सामने इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। पूरी इंजीनियरिंग के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना हुआ ये ब्रिज, इसके नीचे से WDFC की लाइन जाएगी और ऊपर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रूट। और ये देखिए दोनों तरफ आने और जाने की लाइन और उसके बीच में से ये रास्ता खाली, और नीचे सारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, यहाँ सोना और आसपास संचोली के खेत। बहुत ही मज़ेदार दृश्य होने वाला जब यहाँ से 120 की स्पीड से गाड़ियाँ निकलेंगी यहाँ से अलवर और फिर आगे मुंबई की तरफ। और ये देखिए कितना प्लानिंग का अटूट नमूना यहाँ पर एक जो WDFC की लाइन बनी है, ये रास्ता पूरा बंद हो सकता था लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए विलेजर्स को ये रूट बना दिया गया है एक छोटा, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी और एक बस के लायक जगह है जो इसमें से जा सकती है। मैं इसमें से निकल के आपको दिखा रहा हूँ अभी, और ये मैं वापस टॉल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि नीचे का आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता दिखाना था। ये सारे गर्डर्स बिछे हुए हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक एक गर्डर को वायर कैप के ऊपर रखते हुए दिखाया था। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से काम हुआ है, बहुत ही, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी आसान लगने लगा इतना बड़ा काम। और ये देखिए गुफा में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।